नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस मीडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं फुकरे 3 मूवी देखने, मच अवेटेड फुकरे 3, फुकरे सीरीज का ये तीसरा पार्ट है देखने। और आइए पब्लिक से जानते हैं कि उनको फुकरे 3 मूवी कैसी लगी, और सीधा लिए चलते हैं आपको पब्लिक रिव्यू के लिए। सही थी, एक्टिंग सबसे बढ़िया किसकी लगी? एक्टिंग सही की, सबों की ठीक थी। और ऋचा चड्ढा कैसी लग रही है पिक्चर में? पिक्चर चड्ढा ठीक है, सही है। कहानी कैसी है पिक्चर की? कहानी ठीक है, चल जाएगी। आप भी दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली के जो सीन्स थे वो कैसे लगे? दिल्ली के बहुत बढ़िया लगे, खासकर जमुना पार के, जमुना पार से ही हैं हम। अच्छा अच्छा लगा। कितने स्टार देंगे? 4। हाँ जी, कौन सी मूवी देखी आपने? फुकरे 3 देखी। अब तो खास नहीं है, जो उम्मीदें लेके आए थे वो पूरी नहीं हो पाए हैं। आपने बाकी के दोनों पार्ट्स देखे हैं? हाँ, पहला अच्छा था। अगर अरेंज किया जाए पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, तो आप कैसे इसको? काफ़ी वीक है, काफ़ी वीक है। काफ़ी क्या कमी रहेगी इसमें? मतलब कुछ, मतलब पंचायत वगैरह नहीं, कोई स्टोरी लाइन भी कुछ हो रही है कि जिस हिसाब से उसमें बताया गया है, मतलब इलेक्शन को बेस कर दिया गया है कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर उसका पानी को बता दिया गया है। अब दिल्ली गवर्नमेंट की आप बेइज्जती कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली में पानी फ्री मिल रहा है, उसमें आप टैंकर माफिया को हावी बता रहे हैं, तो जस्ट केजरीवाल की, मतलब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की वो बेइज्जती है एक तरीके से। इस फिल्म में देखा जाए तो अली फजल नहीं है, तो क्या उनकी कमी खल रही है? कितने स्टार देंगे? 2। हाँ जी, कौन सी पिक्चर देख के आए हो? मैं अभी फुकरा 3 देख के आया हूँ। कैसे लगी फुकरे 3? 3 गुना मजा आया या नहीं? भाई 3 गुना मज़ा घट गया, बल्कि मेरे ख्याल से फुकरा 1 अच्छी थी, उसके बाद डिक्रीज हो गया फुकरा 2, उसके बाद डिक्रीज, उठने की जगह गिर रही है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वही पुराना कॉन्सेप्ट था, घिसी पिटी लग रही है, साउथ अफ्रीका के सीन दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन्स है इसमें जो ठीक थे, बाकी ओवरऑल मूवी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो पानी के बारे में दिखाया गया, आप उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं? देखो, मेरे ख्याल से अगर किसी गांव में दिखाते ऐसा कि पानी की कमी पड़ रही है तो समझ भी आता, दिल्ली शहर में पानी की कमी है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, और एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल से वो मैसेज पता नहीं क्या मिलेगा लोगों को, मेरे ख्याल से कोई भी रिलेट नहीं कर पाएगा। बाकी एक्ट्रेस की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, पुलकित, वरुण शर्मा, इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी, बढ़िया थी। वरुण शर्मा काफ़ी अच्छा किरदार निभा रहे थे अपना, वो थोड़ा एक हंसी कॉमेडी वाला उनके सीन थे। पुलकित भी, सच बताऊँ मेरे को उनकी बॉडी के अलावा कुछ नहीं है, वो भी एक्टिंग में मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगे, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ठीक थी, लेकिन बाकी मेरे ख्याल से फुकरे 1 में, फुकरे 2 में उनका ज़्यादा बेहतर काम था फुकरे 3 से। मृगदीप सिंह लांबा इस फिल्म के डायरेक्टर है, जिन्होंने बाकी के भी डायरेक्ट किए, उनके डायरेक्शन के बारे में क्या कहना? डायरेक्शन में यही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला ना कि सीरीज आनी चाहिए, जैसे कोई सीरीज आती है तो उठती है कि उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे ख्याल से फुकरे 1 से फुकरे 2 थोड़ी नीचे गिरी, फुकरे 2 से फुकरे 3 बिल्कुल नीचे गिर गई, 4 अगर ये बनाएंगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब नहीं बनता 4 बनाने का, क्योंकि मतलब 3 घंटे वेस्ट है मेरे ख्याल से तो ये पिक्चर देखने के लिए, किसी को भी मज़ा नहीं आने वाला। हाँ, एक दो कॉमेडी स्किल मतलब सीन्स है इसमें, लोग थोड़े बहुत वो पसंद कर सकते हैं, वो भी वरुण के, बाकी एवरेज मूवी है भोले पंजाबन, वही भोले पंजाबन, इस बार तो भोले पंजाबन भी अच्छी नहीं लगी। आपके हिसाब से इस मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन के निकल के आया? दुश्मन मतलब मेरे ख्याल से तो वही है, गानों के अंदर, एक्टिंग के अंदर। देखो, सबसे मेन तो स्क्रिप्ट ही होती है, उसके बाद एक्टर जब भी काम करेंगे जिस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी होती है, तो स्क्रिप्ट डायरेक्शन दोनों बेकार था, और अच्छी हो सकती थी मेरे ख्याल से। फुकरे जो काफ़ी चली थी, फुकरे 1, फुकरे 2 भी चली थी, तो मेरे ख्याल से मूवी अच्छी हो सकती, और इन्होंने स्क्रिप्ट में और डायरेक्शन में ज़्यादा काम करना चाहिए था। मैं 2 स्टार दूंगा। हाँ जी, कौन सी पिक्चर देखी? आप फुकरे 3 देख कर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी कॉमेडी है, और आसपास के शूट के लोकेशन देख के अपने घर की भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे आसपास में इतनी अच्छी शूटिंग हुई है, और चूचे मतलब कि वरुण का बहुत काम, बहुत अच्छा काम। सबसे अच्छा काम किसका लगा? हाँ, वरुण का अच्छा लगा, पूरी फिल्म उसी के ऊपर टिकी हुई है, और कॉमेडी के अंदर पंच लाइन भी बहुत अच्छी है। कहानी कैसे पिक्चर की? बहुत बढ़िया कहानी है, मैं इसको 4 स्टार देना चाहूँगा। अगर आप, अगर कल को आपको कोई बोली जैसी लड़की पसंद आ गई, तो आप क्या करेंगे? मैं पहले उससे कब वो देखूँगा ना, उसके साथ कोई डिंगरा तो नहीं है। भैया कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी है, और एक बार आप भी लोग आकर देखें, फैमिली मूवी है, कोई गाली गलौज नहीं है, बहुत बढ़िया लगी। सबसे बड़ी एक्टिंग किसकी लगी? चूचा की। और उसकी एक्टिंग कैसी लगी? हन्नी जो बने इस पिक्चर में, पुलकित सम्राट, थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन चूचा ने दिल जीत लिया, पूरी फिल्म चूचा के ऊपर ही। बाकी ये दोनों पार्ट्स आपने देखे हैं? दोनों पार्ट देखे, लेकिन इस बार वाला थोड़ा अलग है, और अगला चौथा भी आएगा बहुत जल्दी। गाने कैसे लगे? गाने तो एक टाइटल सॉन्ग ही अच्छा है फुकरे का, बाकी तो सब ऐसे ही। स्टोरी लाइन कैसी है पिक्चर की? स्टोरी लाइन ठीक है, बीच में कॉमेडी आती है, बीच में पॉलिटिशन भी, लेकिन चूचा बेस्ट है। कितने स्टार देंगे? 5। हाँ जी, कौन सी मूवी देखी? फुकरे
3। कैसी लगी फुकरे 3? 3 गुना मजा था? नहीं, अरे 1 गुना भी मजा नहीं था भाई, बहुत बकवास फिल्म थी यार। मतलब बोर हो गया, बीच में सो भी गया था थोड़ा सा, फिर इंटरवल हुआ, फिर दोबारा सो गया था। क्या कमी रह गई आपके हिसाब से? यार कोई लॉजिक नहीं है, मतलब अब ना ये लोग क्या करने लग गए हैं फिल्म को चलाने के लिए, जो है मैसेज ढूंढने लग गए हैं। और इन्हें पता होना चाहिए कि फिल्म को चलाने के लिए मैसेज नहीं, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। और पानी का क्या मैसेज दिया वो समझ ही नहीं आया, मेरे तो दिमाग से पूरी फिल्म निकल गई। पता नहीं दिल्ली में शायद इतना इस तरीके का पानी का कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, बट कोई लॉजिक नहीं था फिल्म का मैसेज का है। अली फजल की कमी इस मूवी में खली या नहीं? अरे कमी तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था उसकी, मतलब कमी होती, मतलब वो होता भी तो क्या रोल करता हो, अच्छा हो नहीं है फिल्म में, मतलब अली फजल क्योंकि इतने अच्छे किरदार मतलब उन लोग निभाते हैं यार, मिर्ज़ापुर का वेट कर रहे हैं ये एक्टर, तो वो हैं जो फिक्रे आती है तभी चलते हैं, जैसे धूम में अभिषेक बच्चन चलते हैं इसी तरह इनका किरदार रहता है। साउथ अफ्रीका का जो सारा कंसेप्ट दिखाया गया, अरे लॉजिक ही नहीं था, मतलब किसी को भेजना है, क्या कहते हैं, तो वोट से आउट करना है तो थोड़े दिन के लिए किसी को भेज दिया, मतलब क्या लॉजिक है? 5-6 दिन उनका वहाँ दिखा दिया, मतलब पूरा इंटरवल खत्म कर दिया उनका साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका करने के गए थे, मुझे तो ये समझ नहीं आया पूरी फिल्म भाई। क्या लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे क्या होने वाला है? आपने वैक्सीन वॉर भी देखी वाली थी भाई, OTT का रिस्पॉन्स था। और वैक्सीन वॉर देखो एक सोशल फिल्म है, उसमें कली जो है वैक्सीन के डायरेक्टर जो है वो कह रहे थे कि मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही फिल्म को, आई थिंक कुछ रिस्पॉन्स कुछ होगी कमी इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही, बाकी वुमेन एम्पावरमेंट को फिल्म में दिखाया गया, बस यही था। कितने स्टार दोगे? 1-2 यार फुकरे को। थैंक यू। आज हमारे साथ है फिल्म के जाने माने फिल्म क्रिटिक मिस्टर संजय अग्रवाल जी। सर कैसी लगी फुकरे? मूवी ठीक है, आई थिंक जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो उतना नहीं है, जो मतलब दर्शक जो आ रहे हैं सिनेमा हॉल में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, तो उस तरह से तो थोड़ा सा कम है, कमज़ोर है मूवी, बट अदरवाइज स्टार्स ने अपना सबने इंडिविजुअल रोल ठीक किया। पंकज त्रिपाठी इज डन अ गुड रोल, अभी तो वो माय गॉड में वो छाए हुए थे, अंशुचे का तो है ही मतलब परफेक्ट रोल है, बोली पंजाबन भी अच्छी है, सो एवरीबडी इज डन देयर ओन बिट। ये कुछ दिखाया है इन्होंने, आई डोंट नो कि व्हाई दे वांट टू चूज समथिंग जो थोड़ी रियलिटी से दूर दिखा रहे हैं ना चीज़ें, तो एंड ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली गवर्नमेंट पे पलटवार है, केजरीवाल सरकार पे, क्या कहना चाहिए? मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कुछ भी, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा, मतलब किस सेंस में समझने नहीं आया व्हाई दे आर सेइंग सो, मतलब फ्रीबीज के ऊपर बोल रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो पानी वाली टंकी जो थी ना वो मैंने देखा है दिल्ली में इन द डिप्लोमेटिक एरियाज, वहाँ पे जो गरीब जनता है वो जा रही है उस टाइप की पाइपलाइन, तो वो एक पानी माफिया का दिखाया है इन्होंने, वो हो सकता है कि दिल्ली का मतलब, बट बोलना मुश्किल है। बाकी के जो दो पार्ट्स थे उसमें रिचा चड्ढा के असली पति अली फजल थे, इस मूवी में वो नहीं है, तो क्या लग रहा है कि उनकी कमी खली है इस मूवी में? ऑब्वियसली मतलब वो तो रहता ही है, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो कैरेक्टर को देखने के लिए आते हैं लोग, एंड सो लिटिल थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है किसी किसी पॉइंट पे, बट अदरवाइज ठीक है। बॉक्स ऑफिस में मुश्किल है मतलब कितना, बिकॉज आजकल अभी जवान आई है, सो जवान इज़ अ प्योर हिट, पठान इज़ अ हिट, ओ माय गॉड वाज अ हिट, एंड गदर 2 ने गदर मचाया है, यू है अक्षय कुमार की आ रही है, एनिमल आ रही है, सो मेनी मूवीज, सो समवेयर फुकरे छुप जाएगी मतलब शायद इनके बीच में, इट माइट यू नो। एनिमल को तो सर अभी आने में टाइम है। हाँ नहीं मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि द पाइपलाइन में, बिकॉज सम पीपल आर गोइंग फॉर सिलेक्टेड मूवीज, एक है कि जो कि मतलब वो नहीं है कि एवरी मूवी हैज़ टू बी सीन, पीपल हैव देयर चॉइस। अब नेक्स्ट टाइम जैसे मेरे को बड़ा एंथुसियाज्म था कि फुकरे, तो मैं मिडवे में भी आया, लेकिन हो सकता है कि अगली बार मेरे को लगे अरे छोड़ो यार क्या करना है, खास क्या है वो वैसे देख लेंगे कभी। कितने स्टार देंगे सर 5 में? 3 स्टार्स। थैंक यू।